नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। गोवा का प्राचीन हिंदू मंदिर, यात्रियों ने लगाया ट्रेन को धक्का। थोड़े पानी में विभिन्न प्रकार की फसलें, मंदिर देता है मौसम की जानकारी। कुत्ते ने बचाई गिलहरी की जान। घने जंगलों में छिपा गोवा का सबसे पुराना हिंदू मंदिर पुर्तगालियों की तबाही से बचा, आइए देखते हैं। गोवा में पुर्तगाली आक्रमण से पहले सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे। गोवा एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था, पर पुर्तगाली शासन में ज्यादातर मंदिरों पर पुर्तगालियों का कहर बरपा। इनमें से ज्यादातर मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। फिर भी गोवा के कुछ मंदिर अब भी मूल रूप में सुरक्षित हैं। अगर गोवा राज्य के सबसे पुराने मंदिर की बात करें तो यह 13वीं सदी का महादेव शिव का यह मंदिर तांबडी सुरला गांव में स्थित है। यह मंदिर कदम्बा और देवगिरी के यादव शासन काल की वास्तुकला का सुंदर नमूना है। तांबडी सुरला शिव मंदिर अपने कलात्मक शिल्प एवं वैभव के कारण जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में कदम्ब राजाओं के समय इसका निर्माण हुआ था। यह गोवा का एकमात्र मंदिर है जो मुस्लिम आक्रमण और पुर्तगाली आक्रमण के बाद भी सुरक्षित रहा है। मेरठ में ट्रेन में लगी आग, तो यात्रियों ने दिखाई हिम्मत और ट्रेन को लगाया धक्का, आइए देखते हैं ये वायरल वीडियो। मेरठ के दोराला स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दो डिब्बों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिन डिब्बों में आग लगी उनके यात्री तुरंत बाहर आ गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रियों ने ट्रेन के बाकी डिब्बों को आग से बचाने के लिए मिलकर धक्का लगाया और बाकी डिब्बों को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना ने फिर से यह बात साबित कर दी है कि इकट्ठे आने से हम किसी भी मुसीबत का सामना डट के कर सकते हैं। जॉर्डन के एक खेत में पानी के मामूली मात्रा के साथ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, आइए देखते हैं यह अनूठा प्रयोग। जॉर्डन के ग्रामीण इलाकों में बसे एक फार्म में पानी के मामूली मात्रा का उपयोग करके कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। चेरी, टमाटर और हरी पत्ती वाली सब्जियों को खड़ी पंक्तियों में उगाने और पानी बचाने वाली तकनीक के माध्यम से सिंचित करने के साथ खेत के प्रबंधक इसे शुष्क राज्य में कृषि के भविष्य के लिए एक प्रोटोटाइप मानते हैं। एरोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए देश के सबसे व्यवहार्य विकल्पों में से एक है। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और चरमराते हुए बुनियादी ढांचे के कारण जॉर्डन को जल संसाधनों के मामले में सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। लेकिन इस अनोखे प्रयोग के कारण कृषि व्यवसाय में लगने वाले पानी की 90% बचत होती है। यही शायद दुनिया के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। इस प्राचीन मंदिर का शिखर लोगों को मौसम की जानकारी देता है, आइए देखते हैं ये प्राचीन शास्त्र का प्रयोग। माना जाता है कि कानपुर के भीतर गांव पेटका में भगवान जगन्नाथ मंदिर की छत पर जमी हुई पानी की बूंदे अच्छे या बुरे मौसम की भविष्यवाणी करती है। इस मंदिर को व्यापक रूप से वर्षा मंदिर के रूप में जाना जाता है और ये 100 वर्ष से अधिक पुराना है। पानी की बूंदों का आकार अगर बड़ा है तो माना जाता है कि अच्छी वर्षा होगी, और यदि ये बूंदे छोटी हैं तो सूखा पड़ सकता है। मंदिर की अनोखी विशेषताओं के बारे में बात करते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केपी शुक्ला ने कहा कि भक्त यानी ज्यादातर स्थानीय किसान मंदिर के बाहर अच्छे मानसून के लिए प्रार्थना करते हैं और छत के बीच के पत्थरों में जमी पानी के बूंदों को देखने के लिए एक कतार बनाते हैं, ताकि वे ये जानकारी प्राप्त कर सकें कि आगे अच्छा या बुरा मौसम आने वाला है। इसे अंधविश्वास कहें या आस्था, लेकिन मंदिर में मन्नत मांगने के बाद किसानों की किस्मत बदल जाती है। एक कुत्ते ने दिलाया मानवता का दर्शन, पानी में डूबती हुई गिलहरी की बचाई जान, सुनते हैं ये खबर विस्तार से। कई बार ऐसा होता है कि कठिनाई में फंसे लोगों की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता, लेकिन
एक कुत्ते ने मानवता का दर्शन कराते हुए डूबती हुई एक गिलहरी की जान बचाई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इससे हमें जीवन की बड़ी सीख मिलती है या फिर मिलती है प्रेरणा। एक कुत्ते ने एक गिलहरी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी। कुत्ते के इस वीडियो ने हर किसी का दिल जीत लिया है। ये वीडियो हम इंसानों को भी यही सीख देता है कि हम सभी को मुश्किल के वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।